में स्वागत है आप सभी का। बात दिल्ली की करेंगे, जहां आज शाम हो सकता है मध्य प्रदेश में विभागों का बंटवारा। तो दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़े चेहरों को बड़ा विभाग देने की तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से अनुभव को तरजीह दी गई उसके बाद ये माना जा रहा है कि पेच यहाँ पर फंस रहा है। कई बड़े चेहरे हैं इस बार, और ऐसे में केस को कौन सा विभाग सौंपा जाए इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। और इसी बीच आपको बताते चले कि दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद आपको बताते चले कि स्थिति क्लियर होगी कि किसको कौन सा विभाग मिलता है। लेकिन देखिये, कई बड़े चेहरे, प्रहलाद पटेल मोदी कैबिनेट में भी ये मंत्री रहे, इसके साथ ही आपको बताते चले बड़ा ओबीसी चेहरा, अच्छा खासा इनको अनुभव है, इनको बड़ा विभाग दिया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो अमित शाह के ये करीबी माने जाते हैं, ऐसे में कोई महत्वपूर्ण और बड़ा विभाग इनको मिल सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बंगाल में बीजेपी के प्रभारी ये रहे, 2008 में पीडब्ल्यूडी विभाग भी संभाल चुके हैं। राकेश सिंह की बात की जाए तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर लीडर है बीजेपी के, और ऐसे में अनुभव को अगर पार्टी तरजीह देती है तो इनको भी महत्वपूर्ण और बड़ा विभाग दिया जा सकता है। तो दिल्ली दौरे पर आपको बताते चले मुख्यमंत्री हैं, और आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में चर्चा की जाएगी, और माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री जैसे ही लौटेंगे दिल्ली से भोपाल, उसके बाद सभी के सामने वो नाम भी होंगे कि आखिरकार किन मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलता है। लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि जो बड़े और महत्वपूर्ण विभाग है वो सीनियर लीडर्स को, यानी कि बड़े चेहरों को सौंपे जा सकते हैं। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर बताते चले कि सुगबुगाहट लगातार तेज है कि आखिरकार कैसे पार्टी विभागों का बंटवारा करती है, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखी जाएगी विभागों का बंटवारा करते समय। बताते चले कि कई बड़े लीडर्स मंत्री बनाए जा चुके हैं, चाहे हम बात कर ले कैलाश विजयवर्गीय की, प्रहलाद पटेल की, राकेश सिंह की, इसके साथ ही और भी कई वरिष्ठ लीडर्स हैं, कई वरिष्ठ चेहरे हैं जो कि मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन विभागों पर अभी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार किसको कौन सा विभाग मिलना चाहिए। लगातार चर्चाएं देखने को मिली, लेकिन ये माना जा रहा है कि शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट तेज है कि आखिरकार किसको कौन सा विभाग दिया जाता है, लेकिन यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बनी हुई है, क्योंकि आज मंत्रियों को विभाग मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, और उसके बाद आज मंत्रियों को विभाग सौंपे जा सकते हैं। सीएम, दो डिप्टी सीएम, 9 मंत्रियों ने शपथ ली है, शपथ के साथ मंत्रिमंडल में 12 सदस्य हो चुके हैं। 22 दिसंबर को 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन देखिए तारीख काफी ज्यादा आगे बढ़ती चली गई, लेकिन अभी भी स्थिति क्लियर नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में कि आखिरकार किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। माना यह जा रहा है कि जल्द ही स्थिति क्लियर होगी, और शायद आज वो विभाग भी हमारे सामने आ जाएंगे कि आखिरकार कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। बताते चले, छत्तीसगढ़ में 22 दिसंबर को 9 विधायकों ने शपथ ली थी मंत्री पद की, और आज आपको बताते चले 29 तारीख हो गई है, अभी तक विभागों का बंटवारा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। लेकिन लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद, सीनियर लीडर से चर्चा के बाद विभागों का फैसला हो जाएगा। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई है भोपाल से, इसके साथ ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ से टिकेश लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले टिकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लग रहा है कितना और इंतजार करना पड़ेगा, और कहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 22 तारीख को मंत्री पद की शपथ ले ली थी 9 विधायकों ने, अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। इस दिसंबर को मंत्री कैबिनेट मंत्री का विस्तार हुआ था, और निश्चित तौर पर 7 दिन बीत जाने के बाद भी, लंबे समय के अंतराल बीत जाने के बाद भी, अब तक मंत्री को विभागों की बंटवारे में अभी तक से कोई जानकारी निकल कर सामने आनी है, क्योंकि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कुछ दिन पहले प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर थे, और दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ थे, तो चर्चा हो गई थी, और चर्चा में बहुत सारी बात निकल कर सामने आ रही थी। हालांकि पेच
फंसता हुआ नजर तो आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नए और पुराने चेहरों को लेकर जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, अब विभाग के बंटवारे में भी पेच फंसा है। ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में परिपाटी बनी हुई थी कि जो प्रमुख जो विभाग होते हैं वो मुख्यमंत्री के हाथ में होते हैं, तो ऐसे में वो भी विभाग के बंटवारे में निश्चित तौर पर जिस देखने मिल रहा है कि दो डिप्टी सीएम बने हैं उन्हें भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। बात करें जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम का, तो सीएम विष्णुदेव साय की बात करें तो निश्चित तौर पर कई ऐसे अहम विभाग है जो उनके पास रह सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा के पास धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विभाग उनको दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम अरुण साह की बात करें तो उनके पास गृह विभाग के साथ साथ कई ऐसे विभाग है जो उनके पास रह सकते हैं। वही मंत्री ओपी चौधरी जो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है, कलेक्टर से राजनीति में आए, तो उनके पास वित्त मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग भी उनके पास हो सकते हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल जो मंत्री रह चुके हैं कई बार, तो उनके पास संसदीय और कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रह सकते हैं। बात करें केदार कश्यप भी एक कद्दावर मंत्री है। बात करें श्याम बिहारी जसवाल जो दूसरी बार विधायक बनने के बाद उनको मंत्री दिया गया है। लक्ष्मी राजवाड़े है, उनके पास महिला बाल विकास की बात हो सकता है। तो कई ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार चुने हैं जिसके कई ऐसे विभाग दिए जा सकते हैं। तो पेच वहीं पस है और विभाग के बंटवारों में नए और पुराने चेहरे का कुछ पहली बार के विधायक भी है। और हालांकि अब पार्टी फैसला करेगी कि महत्वपूर्ण और बड़े विभाग किसको सौंपने। आप बने रहिए टिकेश हमारे साथ। हमारे साथ रंजना भी लगातार लाइव बनी हुई है। रंजना, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कब तक स्थिति क्लियर हो जाएगी? क्योंकि कुछ पहली बार के विधायक भी है और वरिष्ठ लीडर्स भी है, ऐसे में बड़े और महत्वपूर्ण विभाग किसको सौंपे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बार की जो कैबिनेट का गठन हुआ है उसमें वरिष्ठों के साथ युवा चेहरों का जो सामंजस्य है, जो समन्वय है, वो देखने को मिला है। लेकिन यही जो सामंजस्य और समन्वय है, अब इसी के बीच में जो पैंच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा पैंच यही है क्योंकि जो वरिष्ठ नेता है जो कि इस बार सेंट्रल की राजनीति से उन्होंने मध्य प्रदेश का रुख किया है, तो उनके विभागों को लेकर जरूर थोड़ी सी कुछ स्थितियां हैं वो बनी हुई है कि आखिर जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो किस को दिए जाए। क्योंकि इसमें चाहे गृह विभाग की बात कर ली जाए, नगरीय एवं नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें और इसी तरह से परिवहन विभाग, ऐसे कई बड़े मंत्रालय हैं जिनको लेकर असमंजस की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। और यहां पर आपको बता दें कि जो प्रहलाद पटेल हैं वो अब तक सेंट्रल में ही रहे हैं और अब पहली बार वो विधायक चुनकर यहां पर मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में। इसी तरह से राकेश सिंह की बात कर ली जाए, उनका भी इसी तरह से है कि वो सांसद रहे, पहली बार मध्य प्रदेश में यहां पर पहुंचे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव रहे और इसके बाद अलग अलग राज्यों में रहे। तो इन बड़े नेताओं के बीच किस तरीके से विभागों का बंटवारा किया जाएगा और किस तरीके से युवाओं के बीच में जो समन्वय है विभागों को देकर वो स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी का जो सहयोग है और मार्गदर्शन है वो इसी तरह से मध्य प्रदेश को मिलता रहे। तो इसी को लेकर लगातार जो पैंच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसी को सुलझाने के लिए सीएम मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे और उसके बाद विभागों को लेकर जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी और फिर इसके बाद जो विभागों का बंटवारा है वो देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज शाम तक ही विभागों के बंटवारे को लेकर जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाए, या फिर स्थिति अगर बिल्कुल रंजना सही का आपने, आज शाम तक हो सकता है कि स्थिति क्लियर हो जाए मध्य प्रदेश में कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से टिकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।